ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अब जब अमृत वेला आप उठते हैं तो उठते ही क्या क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। आपका बच्चा सुबह उठते ही आपसे गुड मॉर्निंग करे, प्रणाम करे, तो आप क्या करेंगे? उसको आशीर्वाद देंगे। और इसी प्रकार जब हम बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो बाबा से भी हमें वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। कितना भगवान से वरदान। तो उठते ही आप बहुत सुंदर एक चित्र बनाना कि जैसे हम, मेरी आँख खुली और अपने सामने बाप दादा को देखना, ठीक है ना? और बड़े प्यार से कहना, बाबा गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? फिर अनुभव करना कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया और खूब अच्छे अच्छे वरदान दिया। विजयी रतन आत्मा भव, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा भव, निर्विघ्न आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा। ये वरदान बाबा से उठते ही ले लो। अगर याद नहीं आता है तो रात में सोने के पहले रिपीट करके सो, लेकिन उठते ही ये जरूर करना है। 5 मिनट उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग किया, बाबा के वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव किया और बाबा से हमने ये वरदान लिया। करेंगे सभी? अच्छा, उठते ही। लेकिन होता क्या है, और एक बात ध्यान करना कि उठते ही हमारी कई बार ना घड़ी की तरफ नजर जाती है। हाँ, ये कर लेना, भले आप जल्दी सो गए हो तो भले सो जाओ, लेकिन उठते ही घड़ी की तरफ नहीं देखना। अच्छा, हम घड़ी की तरफ देखते हैं और फिर देखते हैं, अरे अभी तो 5 मिनट बाकी है 4 बजने में, थोड़ा सा 5 मिनट और आराम कर लेते हैं। और वो 5 मिनट क्या करता है? सीधा 5 बजे आँख खुलती, अरे अरे ये क्या हुआ, हम तो 5 मिनट के लिए ही सोए थे। और अमृत वेले हम वरदानों से वंचित हो जाते हैं। अच्छा, एक दूसरे को भी नहीं देखना। हम देखते ना, अरे वो भी तो सोया हुआ है, हाँ अभी हम भी है ना, वो भी तो नहीं उठा, वो उठेगा तो हम भी उठ जाएंगे। तो अमृत वेले उठने में माया कैसे कैसे बड़े रायल संकल्पों के साथ आती है। तो हमें किसी दूसरे को नहीं देखना है, कोई उठता है या नहीं उठता है, लेकिन हमें उठना है। हमें अमृत वेले योग का संपूर्ण सुख लेना है। कई बार ऐसा सोचते हैं कि बाबा ने कहा है ना, तुम सहज राजयोगी हो, तो हम तो सहज राजयोगी हैं, हम कोई हठ योगी थोड़ी हैं, शरीर को थोड़ी कष्ट देना है। हाँ, बाबा ने कहा है ना, लेटे लेटे भी याद कर सकते हो। अभी बताओ, लेटे लेटे बाबा की याद आएगी? हाँ? अब लेटे लेटे किस भाव में बाबा ने किसके लिए कहा कि भाई जो इतना बीमार है, नहीं उठ सकता है बेड से, हाँ वो भले लेटे लेटे याद कर ले। तो बाबा ने कहा, और ऐसे भी नहीं कि हम बिस्तर पर उठ करके बिस्तर पर ही बैठे रहें योग में, हाँ ये भी नहीं, क्योंकि जहाँ हम रात भर सोए हुए हैं वहाँ नींद का वाइब्रेशंस, वहाँ पर आपको नींद जरूर आ जाएगी, इसलिए बिस्तर छोड़ देना है, आप छत पे चले जाओ। हर एक के यहाँ एक बाबा का फोटो, बाबा का रूम अवश्य होना चाहिए। मच्छर तो पंखा लगा लो, फिर ऊपर छत पे चले जाओ। माना देखो क्या है, रात भर मच्छर, लोग यही बोलते हैं रात भर मच्छर काटे हैं, अभी अमृत वेला मच्छर भाग जाते हैं,
उस समय अच्छी हवा चलने लगती है सुलाने के लिए, माया सो जाओ अभी। फिर अंदर आता है, देखो रात भर नींद नहीं किया ना, और अभी कितनी अच्छी हवा चल रही है, कल से जरूर उठेंगे, आज सो जाते हैं। माया बड़ी रैल संकल्पों के साथ आती है। जैसे ना आपने कहा ना कि मच्छर उठने देंगे, योग करने देंगे, ये भी एक माया का संकल्प है। हाँ, ये संकल्प ही नहीं लाने देना, नहीं करना ही है।